नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव, होमगार्ड की मौत, थाने में आगजनी, इंटरनेट बंद, 2000 लोग फंसे, नूह गुरुग्राम में धारा 144। हरियाणा के नूह में सोमवार को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। दो गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। भीड़ की तरफ से चली गोली में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई है। हिंसा में कई लोग और पुलिस वाले घायल हो गए। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी है। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाना पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे को देख पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। मेवात के कस्बे नगीना और फिरोजपुर झिरका में भी कई जगह आगजनी की गई। इससे पहले उपद्रवियों ने स्कूल बस में भी तोड़फोड़ की थी। बस में बच्चे थे या नहीं, ये अभी साफ नहीं हुआ है। बस को उपद्रवी लूट ले गए और थाने को तोड़ने के लिए उसकी दीवार में टक्कर मार दी। नूह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स है, साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लगाते हुए 2 अगस्त यानी 2 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियों को नूह में एयर ड्रॉप कर रही है। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है। विज ने ये भी बताया कि मेवात के एसपी छुट्टी पर थे, उनकी जगह पलवल के एसपी को वहां भेजा गया था।